जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंचांग के महात्म्य के बारे में बताऊंगा कि पंचांग के श्रवण से क्या फल मिलता है और पंचांग श्रवण के फल से क्या फल मिलता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए। पंचांग हम जानते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, मांगलिक कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। पंचांग पांच चीज़ों से, पांच अंग होते हैं, पांच चीज़ों से मिलकर बनता है। तिथि, वार, करण, योग, नक्षत्र आदि पंचांग बन जाते हैं। जो यथा समय पंचांग का ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर सकता। अब इसमें पांच जो अंग है उनका ज्ञान होने से देखो क्या क्या मिलता है। तिथि का श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वार के श्रवण करने से आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र का श्रवण करने से पाप नष्ट होता है। योग के श्रवण से रोगों का नाश होता है। करण के श्रवण से, जो करण होता है ना, करण के श्रवण से कार्य की सिद्धि होती है। यह पंचांग श्रवण का फल। पंचांग के फल को सुनने से भाई हमने जो पंचांग आज पढ़ा है, देखा है, ज्ञान है उसका, तो उसको सुनने से, पता होने से क्या फल मिलता है? गंगा स्नान के फल का समान फल मिलता है, जैसे गंगा में स्नान कर लिया हो। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।